नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन कुमार झा, नेशनल सेक्रेटरी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग ह्यूमन राइट्स की तरफ से कल मंदरमनी रामनगर में गए थे। वहाँ पे हमने अपने कलकत्ता टीम के साथ में सारे जो है फूड ग्रेन्स लेकर, जो त्रान बोलते हैं बंगाली में, उसको त्रान बोलते हैं, फूड ग्रेन लेकर हम लोग सब गए थे। करीब 10-12 आदमी की टीम हम लोग रुक के गए हुए थे। एक गाड़ी में सामान और दो गाड़ी साथ में लेके हम लोग गए थे। हम लोग सबसे पहले यहाँ से मंदरमनी गए, फिर वहाँ मंदरमनी कोस्टल थाना के जो उसी हैं उनसे मिले उन्हें। उसके बाद हम लोग जो है वहाँ से उन्होंने हमको एक रामकृष्ण मिशन करके है आश्रम है वहाँ पे भेजा। महाराज से मिले, महाराज ने वहाँ पे दो आदमी मेरे को दिया, हम लोग लेके फिर वहाँ से आश्रम से कम हम लोग 10-12 किलोमीटर अंदर गांव की तरफ गए। एकदम कोस्टल एरिया है, एकदम समुद्र के किनारे में जो गांव बसते हैं वो सब गांव है। इस गांव में अभी तक कोई भी सहायता नहीं पहुँचा था। हम लोग वहाँ जाके गए पहुँचे और वहाँ करीब हम लोग ने अपने साथ 200 फैमिली के लिए 200 पैकेट्स लेके गए थे। उस पैकेट्स में हम लोग ने चावल दिया था, दाल दिया था, हम लोग ने सोयाबीन दिया था, हम लोग ने बिस्कुट दिया था, हम लोग ORS दिए थे, हम लोग फिर जो स्पाइसेस मसाला वगैरह जितने मसाले के आइटम्स हैं हम लोग ने दिया था, ऑयल दिया था, मस्टर्ड ऑयल दिया था, फिर हम लोग ने पोटैटो दिया। उसके बाद में कुछ मदर्स के लिए वहाँ कुछ लड़कियाँ थी उनके लिए हम लोग ने सैनिटरी नैपकिन में दिया। ये सारे सामान को हम लोग ने एक पैकेट में करके वहाँ पे जिस उसके साथ में हम लोग ने बंगाली में मूढ़ी बहुत फेमस है, हम लोग ने मूढ़ी भी दिया, हम लोग ने चीरा भी दिया, उसको चूड़ा बोलते हैं, चीरा भी दिया। ये सारा सामान वहाँ करीब करीब हम लोग करीब 3 बजे तक वहाँ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए। और वहाँ से जो मंदरमनी थाना के ओसी हैं, कोस्टल थाना के ओसी, उन्होंने दो कॉन्स्टेबल दिया था, उन लोग ने हमारे साथ बहुत कॉपरेट किया। और ख़ास करके गांव के आदमी लोग ने वहाँ पे काफ़ी कॉपरेट किया जब हम लोग ने माल उतारा, जब हम लोग वहाँ किए। और ये सारा चीज़ हम लोग अपने कलकत्ता टीम के साथ मेरे जनरल सेक्रेटरी मिस्टर अरूप मुखर्जी, मैं नेशनल सेक्रेटरी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का, और मेरे और भी टीम के मेंबर्स थे, सब वहाँ पर गए हुए थे। जैसे एक तो मिस्टर सिंह, उनको हम लोग मार्शल सेक्रेटरी को बुलाते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ टीना गई थी, सारे लोग गए थे, कोई टाइगर करके वहाँ पे थे, सभी गए थे, सभी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से गए थे। और वहाँ हम लोग ने बहुत अच्छा से अपने फूड ग्रेन जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लान डिस्ट्रीब्यूशन किया, यही रिपोर्टिंग हम लोग आज बना रहे हैं। जो हम लोग क्या क्या वहाँ ले जाके क्या क्या किए, हमारे नेशनल चेयरमैन, हमारे जो चेयरमैन हैं मिस्टर मोहित नमानी बैन इन्वेस्टर, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग को दिया। और इस प्लेटफॉर्म के अंदर में हम लोग काम करके वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरुण मुखर्जी, मैं और मेरी जितनी भी टीम है बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर आगे का जो प्रोग्राम है, फिर जैसा जो प्रोग्राम होगा, जैसा पोजीशन वेस्ट बंगाल में रहेगा हम लोग देंगे। और मैं फिर से एक बार हमारे सारे टीम को जो उन्होंने कल हमारे साथ मिलकर वहाँ पे मंदरमनी में गए, और उनको धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपने नेशनल चेयरमैन बैंक मिस्टर मिस्टर मोहित अमानी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन कुमार झा, नेशनल सेक्रेटरी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम लोग कालाघाट में खड़े हुए हैं और हम लोग यहाँ से
मंदरमनी रामनगर एरिया में जाएंगे और ये आप देख रहे हैं हम लोग का जो गाड़ी है और हम लोग अभी कोलेगर में खड़े हैं, अभी हम लोग लेके जा रहे हैं मेरे लेके। आज के हमारा मंदरमनी तो एस सी एखे ट्रांस वितरण कर International Human Rights and Crime Control Organization এর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এদিকে সবাই লাইন ধরে কন্ট্রোল সব আয়ে হুয়ে অরুদা मैं भी और बहुत सारे मेरे कलकत्ता टीम आए हुए हैं यहाँ पे, उसमें हम लोग प्राण दे रहे हैं। और ये देखिए बहुत सारे भीड़ जमा हो गए यहाँ पे पीछे, हम लोगों के पीछे देखिए बहुत सारे जमा हो गए, यदि का पठा इसीलिए अभी हम लोग धीरे धीरे प्राण दे रहे हैं। देख सकते हैं प्राण दे रहे का समय हो गया है और इसमें हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो नेशनल चेयरमैन हैं मोहित नमानी जी, जो हमारे चेयरमैन हैं, और हम लोग यहाँ टीम लेके आए हुए हैं और ये मंदरमनी गांव में हम लोग प्राण दे रहे हैं। लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कितना लाइन है, ये सारे लोग खड़े हैं लाइन में, देखिए सारे लोग यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं और देख सकते हैं आप।